बसमिलीम नमदून सल्ल मोहम्मद रसोल करीम ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से सॉल्व डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायेर माइनस एम स्क्वायर एक्स इजिकल टू जीरो यहाँ पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल टी है इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होगी इन टर्म्स ऑफ टी इसलिए ये सिमिलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी जो वाई की पावर भी वन है और इसके एक्स का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर वन है चाहे सेकेंड डेरिवेटिव हो या फर्स्ट डेरिवेटिव हो ऐसे इस वाले इक्वेशन में लीनियर इन इन दोनों इक्वेशन को हमें साथ साथ मिला के सॉल्व करना होगा दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना होगा सबसे पहले तो हम इसको डी नोटेशन में लिख लेते हैं और यहाँ पर जो डी ओवर डी टी है उसको कैपिटल डी से डोट करेंगे अगर यहाँ पर सेकेंड डेरीवेटिव होगा डी टू ओवर डी टी स्क्र तो उससे डी स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो हमारी जो डिफ्रेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से बदल जाएंगे द गिविन इक्वेशन कैन बी कैन बी रिटेन हैज तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई राइट हैंड साइड में ज़ीरो है इस वाले इक्वेशन को लिखा सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है इसके लिए या तो हम एक्स को पहले एलिमिनेट करें और फिर वाई को एलिमिनेट करें अगर हम वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फिर एक्स की वैल्यू का हम यूज़ करके जैसे कि एक्स की वैल्यू मिल गई तो हम उसको दो बार डिफ्रेंसिट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में और डी टू एक्स डिफाइन करके इक्वेशन नंबर वन में रख के वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो ये बेहतर रहेगा तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर इन दोनों इक्वेशन में से वाई को एलिमिनेट कर लेंगे तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए आ, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में देख रहे हैं कि डी टू वाई है तो यहाँ पर डी टू वाई बनाने के लिए हमें दो बार डिफ्रेंसीशन करना होगा इस इक्वेशन नंबर वन का विद रिस्पेक्ट टू तो टी तो इसके लिए हमें ऑपरेट कर देंगे ऑपरेटिंग इक्वेशन वन विद विद डी स्क्वायर डी स्क्वायर को यानी दोनों साइड हम ऑपरेट करेंगे तो ये डी की पावर हो जाएगी यहाँ पर टू पहले से था टू स्क्वायर और हो हो जाएगा तो डी की बार फोर हो जाएगा एक्स प्लस का एम स्क्वायेर कॉन्सटेंट है बाहर हो जाएगा और यहाँ पर डी स्क्वायेयर बाई राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो है अब हम ये जो इक्वेशन नंबर टू है यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर दें तो आसान रहेगा इक्वेशन नंबर टू से ये जो वैल्यू है इसको ट्रांसपोज करने पर एम स्क्वायर एक्स हो जाएगी तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर टू का यूज़ कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे uh, ये जो भी डी स्क्वायर uh, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे इसको प्लस का हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन का हमने यहाँ पर यूज़ करते हुए और ये इंटू हो पावर फोर हो जाएगी यानी डी की पावर फोर एक्स प्लस एम की पावर फोर एक्स इजिक्वल टू जीरो इससे ये हुआ कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ओनली इंडिपेंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में आ गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टी uh, है और यहाँ से हमने x को राइट हैंड साइड में अगर बाहर ले लेंगे तो d की बार फोर एंड एम की बार फोर और इधर एक्स इजिकल टू जीरो तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने जानते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हम दो पार्ट में से सॉल्व करते हैं कम्प्लीमेंटी फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा लेकिन इसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमको पहले तो इस इक्वेशन नंबर थ्री डाल देते हैं और इसका हमें एक्जरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इसकी इक्वेशन लिखना होगी दी इट्स एक्जुलरी इक्वेशन तो इसकी एक्जरी इक्वेशन लिखना आमतौर पे हम डी की जगह पर हम पुट कर दिया करते हैं जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कॉपी देख लीजिए उसमें डी की जगह पर एम लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर एम पहले से ही दे रखा है एम की पावर फोर दे रखी है तो ऐसे केस में जो है हम इस डी को कुछ और मान लेंगे या तो हम चूंकि तो एम ही मानते हैं तो कैपिटल एम मान लेते हैं उसकी पावर फोर हो जाएगी आप कुछ और भी मान के इसको कर सकते हैं राइट हैंड साइड में जीरो रख देते हैं ये तो हमारी हो जाती है इक्वेशन एग्जिलरी मतलब हेल्पिंग जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे तो इसके फैक्टर करके से हम सॉल्व कर सकते हैं देखिए हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर को होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम इसमें इसे एम स्मॉल एम स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं उसका होल ऑब स्क्वायर बनाने के लिए ताकि कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड कर सकें हम यहाँ पर उमर खयाम वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो होल ऑब स्क्वायर बनाने के लिए हमें इन दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी टू टाइम्स एम स्क्वायर स्मॉल एम स्क्वायर ऐड करना होगा इस तरफ भी और उस तरफ भी जो राइट हैंड साइड है उधर भी हम कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमें इधर ही लाना होगा तो इस तरह उस तरफ ना ले जाके हम इसको जितना ऐड किया है उतना ही हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं टू कैपिटल एम स्क्वायर इस्माल एम स्क्वायर राइट हैंड साइड में ज़ीरो है ये शुरू के जो तीनों टर्म हैं ये मिल के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे यानी एम एम स्क्वायर प्लस आ, एम एम स्माल एम स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे ये यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर इसे लिख देंगे जैसे चूँकि ये होल ऑफ स्क्वायर हो गया इसको भी होल ऑफ स्क्वायर बना सकते हैं ये होल ऑफ स्क्वायर चूँकि देख रहे हैं कि एम का भी स्क्वायर है इस्माल एम का भी स्क्वायर है कैपिटल एम का स्क्वायर है और इसे हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सभी का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही मिल जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर इस फार्मूले को आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसमें एक ब्रैकेट में दो ऐड हो जाता है और दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाता है तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर में ऐड कर लें ये स्क्वायर रूट टू कैपिटल एम स्मॉल एम और इसी तरीके से इसमें ये माइनस हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर प्लस इस्मॉल एम स्क्वायर और माइनस रूट टू कैपिटल एम स्मॉल एम इजिकल टू जीरो अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर है तो इसको हम अलग अलग जो है वो जीरो के बराबर उठ करके एम की वैल्यू मिलेंगी क्योंकि एम में ये फोर पावर इक्वेशन है तो फोर वैल्यू मिलेंगी इसमें तो से दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी तो इस तरीके से हम पहले वाले इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो कैपिटल एम स्क्वायर और यहाँ पर है ये और इसमें ऑर्डर्स से हम लिख देते हैं यानी एम की पहले दो पावर लिखें, फिर एक पावर फिर एम की यानी कैपिटल एम की दो पावर फिर एक कैपिटल एम की एक पावर और फिर ज़ीरो पावर यानी एम कैपिटल एम इसमें नहीं है इसे ऑर्डर इस से लिख दे रहे हैं तो कैपिटल एम स्क्वायर और प्लस का ये हम अगले पेज पर कर रहे हैं तो कैपिटल एम स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट टू स्मॉल एम पहले लें कैपिटल एम और फिर प्लस का एम स्क्वायर इजिक्वल टू ज़ीरो ऐसे ही हम सेकेंड वाले इक्वेशन में जो दूसरा इक्वेश फैक्टर है उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे और उसमें एम की दो पावर को कैपिटल एम की दो पावर को पहले एक पावर को उसके बाद यानी रूट टू एम और कैपिटल एम और प्लस का एम स्क्वायर और इक्वल टू तो, ज़ीरो तो इस तरीके से हम यहाँ पर है वो ज़ीरो रखने के बाद तो ये वैल्यू ज़ीरो रखने के बाद एम की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो एम की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं तो कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो हमें आ, मिल जाएगी अगर हम इसमें कॉर्डेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे उससे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कॉर्डेटिक फार्मूला हम यहाँ पर बता देते हैं दोनों ही में के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ लिख देते हैं अलग से जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज टू जीरो हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना वो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें भी और इसमें भी तो कैपिटल एम की वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल एम की वैल्यू फार्मूला क्या होता है माइनस बी यानी कैपिटल एम का जो कॉपी है माइनस रूट टू इस्माल एम और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्र यानी इसका स्क्वायर कर देंगे यानी स्क्वायर रूट टू एम का स्क्वायर कर देंगे माइनस का फोर ए की वैल्यू वन एच का कॉपी नहीं लिखा तो वन होगा और सी मतलब ये राइट हैंड से में सॉरी तो ये वाला टर्म होगा वो हो जाएगा एम स्क्वायर आफान टू ए मतलब ये जो कैपिटल एम का स्क्वायर का कॉपी सेंट जिस तरीके हमारा एक्स स्क्वायर का कॉपी है तो जिस तरीके से हमने इस तरफ आ, के इक्वेशन को सॉल्व किया है ऐसे ही इन इन इक्वेशन इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कैपिटल एम की जो वैल्यू मिलेगी उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो इसको दोबारा से हम एम ना लिख के क्योंकि तो एम की ही वैल्यू है तो इसलिए हम इसी के साथ में कॉमन लगाने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला यही लगेगा अप्लाई होगा और इस फार्मूले से जो की दो वैल्यू मिलेंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी फार्मूला होता है माइनस अब जो कि कैपिटल एम का जो ऑफिसेंट है वो माइनस का ही रूट टू इस्माल एम है ब्रैकेट में कर लीजिए फिर क्या होता है प्लस माइनस यानी होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी माइनस रूट टू एम का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी सी यानी ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपान में हो जाएगा टू ए तो इस तरीके से कैपिटल uh, एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट टू एम और प्लस माइनस का अब इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट uh, से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये टू एम स्क्वायर माइनस का हो जाएगा फोर फोर एम स्क्वायर अपान टू और टू इंटू वन टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये रूट टू एम हो जाएगा प्लस माइनस uh, का uh, ये माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए टू एम स्क्वायर माइनस का हो जाएगा फोर इंटू वन फोर हो जाएगा फोर एम स्क्वायर तो कैपिटल एम uh, की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट टू एम प्लस माइनस ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियरली टू एम स्क्वायर के बराबर है इस्लॉल में अपान में टू है और ये रूट टू एम प्लस माइनस ये दोनों सेम है इसमें भी रूट के अंदर दोनों की वैल्यू सेम है टू इस्मयर अपान में टू अब यहाँ पर कैपिटल एम इजिकल टू माइनस रूट टू एम स्मॉल एम है और प्लस माइनस का देखिए यहाँ पर माइनस जो होता है रूट के अंदर होता है उससे तो आई आयोटा लिख देते हैं और टू जो रूट में है वो उसका रूट टू हो गया और ऐसे ही इस्लॉल ये आ गया और होल होलान में टू लिखा हुआ है तो ये वैल्यू हम लोगों ने से लिखी हुई है उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे करना है स्क्वायर रूट टू एम और प्लस माइनस का ये रूट माइनस वन को आई लिख दिया हमने और रूट में टू आ जाएगा और एम चूँकि स्क्वायर है स्क्वायर हट जाएगा अपान में अपान में आ जाएगा टू आ जाएगा रूट टू यहाँ से हमें बाहर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है तो इसको हम यहाँ से बाहर भी ले लेंगे तो ये कैपिटल एम हो जाएगा रूट टू को यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा और एम को भी ले सकते हैं लेकिन एम को ऐसे लिखा रहने दिया हमने कैपिटल एम सॉरी और प्लस माइनस आई इंटू एम अपान में जो है रूट टू को हमने सिर्फ बाहर लिया और इस टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू ताकि हम दिखा सकें रूट टू से रूट टू एक कैंसिल हो गया और फिर यहाँ पर भी ऐसे करेंगे रूट टू को हमने बाहर लिया तो एम प्लस माइनस का आई एम हो जाएगा अपान में टू को रूट टू इंटू रूट टू कर दिया एक कैंसिल कर दिया तो यहाँ से तो कैपिटल एम की जो हमें वैल्यू मिली है वो दिखाई पड़ रही है आपको कि ऐसे अलग, अलग अलग रूट टू को दोनों के नीचे ले आएंगे क्योंकि हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है उसमें हम रियल पार्ट को चाहते हैं कि अलग हो जाए जो कर दिया आपने और इमेजिनरी पार्ट जो आई का कॉफी है वो इमेजिनरी पार्ट करा है वो अलग हो जाए तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे यानी इसको हम आ, रूट टू को इन दोनों के नीचे लिख देंगे एम अपान में रूट टू लिख देंगे प्लस माइनस आई एम अपान में रूट टू लिख देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर कंजुगेट फार्म में एम की वैल्यू चार वैल्यू मिल गई हैं दो आपस में एक दूसरे के कंजुगेट हैं और जब एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं ये पेयर और ये पेयर तो उसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का एक तरीका होता है तो इसको और अगर शॉर्ट में बदलना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि जो एम अपान रूट टू है सभी में आ रहा है तो इसको हम कोई एक क्वांटिटी मान लेते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बाद में वैल्यू पुट कर देंगे अब अपन रूट टू को लिखने में टाइम भी लगेगा तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं जो भी चाहे आप इसको लिख दें हम इसको अल्फ़ा लिख देते हैं तो ये सिंपल हो जाएगा बाद में अल्फा जो कि कॉन्सटेंट है उसकी वैल्यू रख दी जाएगी तो यहाँ पर हम हमारी एम की वैल्यू अब सिंपली सिंपली हो जाएगी अगले पेज पर इसको हम कर रहे हैं सॉल्व कैपिटल एम इज़ इक्वल टू तो यहाँ पर हम प्लस वाली वैल्यू को सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का इसको हमने अल्फ़ा लिखा है और प्लस माइनस का फिर वही वैल्यू थी अल्फ़ा फिर अब नेक्स्ट अल्फा प्लस आ, प्लस माइनस का आई अल्फा तो यहाँ पर हम ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट है या इसमें भी तो इन वैल्यू को देख के हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका जो कि ज़ीरो आएगा तो इसकी वैल्यू जो है कम्प जो कि राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही इसका कम्प्लीट सोल्यूशन होगा तो यानी इक्वेशन नंबर थ्री का हम सोल्यूशन लिख सकते हैं यानी एक्स की वैल्यू लिख, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी लिख सकते हैं तो जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही बराबर है कि वो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो मिल जाएगा एम की वैल्यू को देखें ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जा रहा है देअरफोर हम कह सकते हैं देयर फोर सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री तो जो x है डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फार में आ जाएगी तो c1 पहले तो हम क्या करेंगे कि जो e की पावर जो कांस्टेंट है उसको e की पावर में लिख देंगे माना सल्फा टी और फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कॉस ऑफ हालांकि हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं सीएफ लिखने में लेकिन चूँकि आगे हमें इसको एक्स को दो बार डिफ्रेंसीशन करना होगा इक्वेशन नंबर वन के लिए तो इसलिए इस फार्म लिखना है ताकि हमारा कैलकुलेशन कम करना हो सी तो सी वन कॉस फिर इसके बाद एम की जो वैल्यू है ये वाली वो लिखेंगे और फिर इसमें टी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस सी टू कर देंगे फिर दूसरी ए, M, की कैपिटल एम की वैल्यू के लिए तो सी टू C2 और E की पावर में जो भी वैल्यू लिखी है अल्फा उसमें T से मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जैसे इसमें किया कॉस फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू अल्फ़ा जो भी कुछ हो T से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई और प्लस का कर दिया जाएगा ये टू तक तो हो गया तो आप सी थ्री करना चाहिए तो और इसमें यहाँ पर सी फोर हो जाएगा क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन होता है उसके आ, उसके जो सोल्यूशन में उतने ही होते हैं एडिटरी कांस्टेंट जो सी वन सी टू सी टू सी फोर के फार्म में आ चुके हैं इसको हम इक्वेशन नंबर फोर डाल देंगे और ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसका सॉल्यूशन का एक पार्ट है क्योंकि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स जैसे टी आ गई है ऐसे ही एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी हमें फाइंड करना होगी लेकिन अब इसके लिए हमें इसको डिफ्रेंसीट करना होगा इसको डिफ्रेंसीट करना होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट जब एक बार करेंगे तो उसे हम डी एक्स से लिखेंगे और ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ध्यान रहे ध्यान दें और तो हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट और सेकेंड मान के डिफ्रेंसीशन करेंगे कॉन्स्टेंट वन को तो हम बाहर रखेंगे और फिर हम जब इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे इसमें टी आ रहा है इसमें टी आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन को तो हम वैसे रखेंगे एक ही बार अल्फा टी और जब हम कॉस का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा तो माइनस हम शुरू में लिख दे रहे हैं और कॉस का डिफ्रेंसीेशन जो होता है साइन होता है अल्फ़ा टी प्लस का सी टू लेकिन चूंकि ये टी नहीं होगा इसलिए टी नहीं है अल्फ़ा टी प्लस सी टू है तो इसका हमें दोबारा से डिफ्रेंसीशन करेंगे ये कॉन्सटेंट का तो जीरो हो जाएगा और जब इसका करेंगे तो अल्फ़ा इन टू में है कॉन्सटेंट है बाहर आ जाएगा टी का तो वन हो जाएगा फिर हम दूसरा टर्म लिखेंगे दूसरा टर्म इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन फिर सेकंड फंक्शन वैसा ही तो प्लस कर देंगे सेकंड फंक्शन यानी कॉस अल्फ़ा टी वैसा ही और इसका इस फंक्शन का डिफ्रेंसीशन जब इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे वैसे तो की पावर अल्फा टी का अल्फा टी होता है लेकिन हमें चूँकि ये टी नहीं है इसका दोबारा से करना होगा डिफ्रेंसीेशन तो इसमें डिफ्रेंसीशन करेंगे दोबारा से तो माइनस अल्फा कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स का यानी टी का तो वन हो जाएगा तो इसका हमने डिफ्रेंसीशन यहाँ पर कर दिया है दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन से फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकेंड का डिफ्रेंसीशन प्लस सेकेंड वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंसीशन अब यही यही काम हमें सेकेंड वाले में यहाँ पर करना होगा तो सी थ्री को हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट है से बाहर लिखा रहने देंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा अप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन बैसा ही की बार अल्फ़ा टी बैसा ही और सेकंड फंक्शन जो कॉस है इसका आ, डिफ्रेंसीशन जो है वो माइनस का होगा इसको हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस को शुरू में ही लगा देते हैं अप्लाई कर देते हैं और ये साइन में बदल जाएगा क्योंकि डिफ्रेंसीशन हो चुका है लेकिन हमें इसका दोबारा से डिफ्रेंसीशन करना होगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा इसका करेंगे तो अल्फ़ा और ट्री का वन हो जाएगा फिर आपके क्या करना है प्लस का साइन लगाएंगे सेकेंड फंक्शन वैसे ही लिख देंगे यानी कॉस अल्फा टी प्लस ई फोर को और इसका दोबारा से डिफ्रेंसीशन करेंगे ई की पावर अल्फा टी का तो अल्फा टी का यही हो जाता है फिर अल्फा ई की पावर का तो वही हो जाता है लेकिन अल्फा टी का करेंगे तो अल्फा बाहर टी का हो जाएगा वन तो इसका भी हमने डिफ्रेंसीेशन कर दिया कैलकुलेशन का इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हाई फाई है इसमें तो अगले स्टेप में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें uh, सिर्फ इस माइनस की वजह से ये प्लस जो होगा वो माइनस में बदल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम शुरू में लिख देंगे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे सी वन को लिख दें और उसके बाद माइनस का इस अल्फ़ा को हम इसके साथ में लिख देंगे शुरू में लिख दे रहे हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है इसलिए ई टू तो दी पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू तो। फिर ऐसे ये माइनस में बदल जाएगा और अल्फ़ा को हमने शुरुआत में लिख दिया और साथ ही साथ जो ई की पावर है माइनस अल्फ़ा टी इसको भी लिख दिया और फिर इसमें जो कॉस था अल्फ़ा टी प्लस का सी टू उसको भी लिख दिया फिर इसके बाद अगला ये टर्म शुरू हो जाएगा प्लस ब्रैकेट वाला टर्म शुरू हो जाएगा सी थ्री और इसमें हम प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं यानी ये अल्फ़ा और ई की पावर अल्फ़ा टी को और कॉफ्स ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और इस वाले जो माइनस वाले टर्म है इसको हम बाद में लिख देते हैं हालांकि ये ऐसा करना ज़रूरी नहीं है तो अल्फ़ा को यहाँ शुरू में लिखें और ई की पावर अल्फ़ा टी जो मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर साइन लिख देंगे साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर विकेट को यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया फिर इसमें जब हमने इतना सॉल्व कर लिया है और इसमें देख रहे हैं कि और कैलकुलेशन कम हो जाएगी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पर बाहर मिल रही हैं एक तो माइनस बाहर मिल रहा अल्फ, अल्फा ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी बाहर मिल रहा है तो उसे बाहर ले लेंगे हम तो डी एक्स इज टू माइनस सी वन अल्फ़ा इंटू ई टू पावर माइनस अल्फ़ा टी और यहाँ पर है वो बचेगा वो प्लस में बचेगा और ये साइन भी प्लस हो जाएगा और ये कॉस भी प्लस हो जाएगा तो साइन ऑफ अल्फा टी प्लस का सी टू और प्लस का कॉस ऑफ अल्फा टी प्लस का सी टू ये बचे हुए ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे अब वाले टर्म में भी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ कॉमन आ, आ रही है प्लस का सी थ्री अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू इ्टी अल्फा टी को हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा है कॉस ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और माइनस साइन ऑफ अल्फा टी प्लस का सी फोर आधा आंसर तो हमारा आ चुका है एक्स की वैल्यू अब हमें वाई की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन नंबर वन में हम ये जैसे कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था इक्वेशन नंबर वन में हम ये वैल्यू रख देंगे डी टू वाई तो उसके तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हमने एक बार तो डिफ्रेंसीेशन कर दिया अब दूसरी बार करना होगा जब वैल्यू आ जाएगी यहाँ रख देंगे वाई की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी तो एक बार और अभी हमें डिफ्रेंसीशन का करना बाकी है जब एक बार हमने कर चुके हैं अब सेकंड की तैयारी कर रहे हैं यानी डी टू एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसमें जो कांस्टेंट है वो तो हम लिख देंगे और इसमें इसको फिर फर्स्ट फंक्शन और फिर इसको सेकंड फंक्शन मान के चलना होगा जैसे कि अभी हम लोगों ने अप्लाई किया था तो इसमें हम माइनस सी सी वन अल्फ़ा को जो है कॉन्सटेंट के तौर पे हम बाहर रहने देते हैं ब्रेकिट के अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है इसमें फर्स्ट फंक्शन को हम पहले वैसे ही रख देते हैं इ की पावर माइनस अल्फ़ा टी फिर इसका हम डिफ्रेंसीेशन uh, करेंगे जब इसका हम डिफ्रेंसीेशन करने जा रहे हैं तो इसका डिफ्रेंसीशन करने जा रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि इसका डिफ्रेंसीशन क्या होता है कि इसमें साइन का डिफ्रेंसीशन जो होता है वो तो कॉस हो जाएगा यानी कॉस ऑफ हो लेकिन अब हमारे लिए दिक्कत ये आ रही है ब्रेकट ज़्यादा लगाना होंगे क्योंकि अभी हमें इसमें फ़र्स्ट सेकंड भी दिखाना है ये तो ब्रेकेट आपका लग गया स्क्वायर उसका कि इसका इंटू पूरे में होगा लेकिन अभी हमें इसमें फर्स्ट सेकंड करना होगा उसके लिए हम यहाँ पर करली ब्रेकेट का यूज़ करके देखते हैं ये फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसीेशन जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन का डिफ्रेंसीशन हमें मिल गया है कॉस अल्फ़ा टी प्लस का सी टू लेकिन चूँकि ये एक्स यानी नहीं है यानी टी नहीं है इसका दोबारा से डिफ्रेंसीेशन करेंगे तो अल्फ़ा इंटू वन हो जाएगा यानी अल्फ़ा आ जाएगा ऐसे यहाँ पर भी अल्फ़ा आएगा तो उस अल्फ़ा को हम यहाँ पर बाहर भी लिख सकते हैं तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं तो इसको हम बाहर यहाँ पर लिख ले रहे हैं कॉमन के तौर पर प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन चूँकि ये माइनस का आएगा तो यहाँ पर हमें माइनस लिखना चाहिए कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस का होता है माइनस साइन अल्फ़ा टी प्लस का टू लेकिन दोबारा से करेंगे इसका तो जीज़ा जीज़ा इसका ज़ीरो हो जाएगा इसका अल्फ़ा आएगा वो अल्फा हमने बाहर दे दिया है तो अभी हमने क्या किया है कि फर्स्ट फंक्शन को वैसा ही ये लिखा है सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब सेकंड फंक्शन को वैसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा प्लस सेकंड uh, फंक्शन क्या है ये हम इसको करली ब्रेकेट में लिख देते हैं साइन ऑफ uh, ये पूरा ब्रेकेट है साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू और प्लस का कॉस ऑफ हो अल्फ़ा टी प्लस का सी टू और फिर इसमें मल इसका डिफ्रेंसीेशन करेंगे तो ई की पावर अल्फा ई की पावर अल्फा होता है लेकिन इसका दोबारा से डिफ्रेंसीेशन करेंगे तो माइनस अल्फ़ा यहाँ पर और आ जाएगा तो इस तरीके से क्या ब्रेकेट क्लोज़ कर देंगे प्लस के बाद अब हम क्या करेंगे आ, ये वाला जो है इसका Uh, प्लस ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका भी इसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमारे पास यहाँ जगह कम है तो अगले पेज पर पे लिख दे रहे हैं लेकिन अभी वही स्टेप है वही स्टेप चल रही जो अभी हमने लिखना बाकी है तो ये वैल्यू चलेगी प्लस का सी सी थ्री अल्फा को कामन ले लीजिए सी थ्री अल्फा यानी बाहर ले लीजिए अब हमें इस वाले टर्म का डिफ्रेंसीेशन करना फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन वैसा इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर अल्फा टी को वैसे ही लिख देंगे अल्फ़ा टी को वैसे रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन जो है माइनस का साइन अल्फ़ा टी प्लस का सी टू हो जाएगा लेकिन फिर अल्फ़ा टी का करेंगे तो अल्फ़ा और आ जाएगा उस अल्फ़ा को यहाँ बाहर लिख ले रहे हैं क्योंकि उस अगले वाला जो टर्म है इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें भी आएगा थोड़ा सा हमने गलत दिखा है ये सी फोर था तो यहाँ पर सी फोर कर दीजिए और फिर नेक्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस पहले से अप्लाई है यहाँ पर और साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर हो जाएगा और फिर इसका डिफ्रेंसीेशन दोबारा से करना होगा एक्स टी नहीं है इसलिए रूल के अकॉर्डिंग अल्फ़ाएगा वो अल्फ़ा हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है और इस ब्रेकेट को करली ब्रेकेट को क्लोज़ कर दिया फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकेंड का डिफ्रेंसीशन हो चुका है अब प्लस का फिर हम सेकेंड फंक्शन वैसे ही रखेंगे यानी सेकेंड फंक्शन जो इसमें ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर है वो सेकंड फंक्शन है हमारा सेकंड फंक्शन को वैसे ही रखेंगे सेकंड फंक्शन यानी इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं सेकेंड फंक्शन वैसे ही कॉस ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन ई की पावर अल्फा टी का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो ई की पावर अल्फ़ा टी लेकिन ये इसका दोबारा करना होगा टेन रूल के अकॉर्डिंग तो अल्फ़ा और आ जाएगा और एक स्क्वेयर ब्रेकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने फर्स्ट फंक्शन में ऐसा ही सेकंड का डिफ्रेंस सेकेंड में ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंसेशन कर दिया है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अभी अभी हमें और करना होगा उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कर, कर सकते हैं इसमें भाई भाई भाई। तो यहाँ पर हम इसको अल्फ़ा को पहले तो हम बाहर ले सकते हैं और या इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन कर दें तो अल्फ़ा का तो अल्फ़ा में स्क्वायर हो के अल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो ये कर ब्रेकेट ओपन कर लेंगे तो अल्फा जैसे अभी बताए स्क्वायर हो जाएगा तो वो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अगले स्टेप में हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए डी स्क्वायर एक्स है पीछे आप देख लेंगे इस ब्रेकेट को ओपन करने जा रहे हैं तो इसका इंटू हम इस देखिए ये वाला ब्रेकेट अभी नहीं खोलेंगे पहले हम इसका इंटू यहाँ करेंगे और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे इसको शुरू में लिख देंगे और फिर बाद में इस को ओपन करेंगे तो लिख देते हैं फिर बाद में आपको पीछे अब नहीं दिखा पाएंगे हम आप देख लीजिएगा तो माइनस का सी वन इंटू अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी और फिर जो ब्रेकेट था कर ली एज़ इट लिख देंगे कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कॉस अल्फ़ा टी प्लस का सी टू फिर माइनस का साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू हमने लिख दिया कर ली ब्रेकेट को क्लोज कर दिया फिर नेक्स्ट में जो कि ये जो बाहर है स्क्वायर ब्रेकेट के ये तो आ, इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम शुरू में लिख दे रहे हैं तो प्लस का हो गया ये सी वन अल्फ़ा स्क्वायर और ई e की पावर माइनस का अल्फ़ा टी और जो भी बचा है उसको हम ब्रेकेट में कर्ली ब्रेकेट में जैसे पहले लिखा हुआ था तो वैसे लिख देंगे आप देख लीजिएगा साइन ऑफ हो अल्फ़ा टी प्लस का सी टू प्लस का कॉस ऑफ हो अल्फ़ा टी प्लस का सी टू इसको हमने कर्ली ब्रेकेट में लिख दिया तो ये ब्रेकेट तो हमने ओपन कर दिया है और ये इसका साइन भी देखिए वो होमना हो चुका है अब इसके बाद में प्लस का टर्म है वो टर्न हम इसी स्टेप इस के रह गए दो इसमें भी हम इस सिर्फ इस ब्रेकेट को ओपन कर रहे हैं तो सी प्लस का सी थ्री और अल्फ़ा इंटूअल्फा अल्फा, 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 अल्फा इसक्वाई की पावर अल्फ़ा टी तो इस टर्म को तो हम दिखा सकते हैं अभी और बाकी तो आप ली ब्रेकेट जो है वो अप्लाई करके रखिएगा माइनस का साइन अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर सेम कैलकुलेशन है माइनस का इसमें ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे अभी हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करें ताकि कोई प्रॉब्लम किसी को ना आए लेकिन हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो इसका इंटू जब यहाँ पर होगा तो इसको हम शुरुआत में यहाँ पर लिख देंगे प्लस का प्लस का सी थ्री और अल्फा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इसको ई की पावर अल्फ़ा t को हम शुरू में लिख दे रहे हैं अब जो भी है इसको कर ब्रैकेट में था तो एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज तो जो कि आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और माइनस साइन ऑफ अल्फा टी प्लस का सी फोर तो इसे कुछ देखने पर मैं पता चले चलेगा कि कैसा कैलकुलेशन है तो कुछ टर्म शायद नज़र आए हमको कि कैंसिल होते हुए या ऐड होते हुए तो ये कॉमन लेने के से पहले भी कुछ नज़र आ रहे थे लेकिन ये तो थे चलिए हमने ब्रेकेट ओपन कर दिया है तो भी हमें नज़र आ जाएंगे कैंसिल आसानी से होते दिख जाएंगे देखिए तो ये, ये सच सेम है जो ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर माइनस का साइन है ये प्लस का साइन है ये कॉस है ये भी कॉस है और ये साइन है ये साइन है तो कुछ या तो ऐड हो जाएंगे या ये कैंसिल हो जाएंगे तो हम साइन के हिसाब से देखते हैं माइनस का साइन है और ये सेम है ये वैलू सिर्फ हमें कॉस वालों को देख लेना पहले तो इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो ये माइनस का कॉस मिलेगा और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये प्लस का मिलेगा कॉस तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे कॉस वाले जो होंगे वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस लेकिन साइन वाला देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस पहले से तो ये टू टाइम्स हो जाएंगे यानी डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू टाइम्स हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगी ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है सी वन अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी ये तो प्लस का हो गया और साइन भी हमें लिखना होगा साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू ये तो यहाँ पर हमारा प्लस का हो गया ये दोनों का ऐसे इन दोनों में देख लीजिए ये बाहर तो एक जैसे हैं इनके साइन भी सेम है तो हमें सिर्फ़ इनके साइन के बेस पर आसानी से नहीं कैंसिल कर सकते हैं ये प्लस प्लस वाले जो होंगे वो कैंसिल कॉस वाला कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के और ये टू टाइम्स दोनों ही माइनस के हैं तो टू टाइम्स माइनस के हो जाएंगे टू सी थ्री अल्फा स्क्वायरी की पावर अल्फ़ा टी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर लिख सकते हैं तो हमने देखा ये टर्न आसानी से कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर सेम साइन था तो अंदर ये चीज़ कॉमन लेने पर हम देख रहे हैं कि कॉमन था ही पहले हमें ध्यान नहीं दिया उस टाइम हम लोगों ने तो हमने ध्यान नहीं दिया नहीं तो ये देखिए आराम से ये कैंसिल हो जाता है और ये माइनस के टू टाइम्स हो जाते हैं वो यहाँ पर लिख दिया अभी भी जो दिखाई दे रहा है क्लियरली आप चाहें तो ब्रेकेट ओपन करके दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करके भी दिखा सकते हैं लेकिन सवाल बड़ा है थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू जो डी स्क्वायर एक्स की फाइन कर ली है इसको हम इक्वेशन नंबर वन में यूज़ कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर वन पुटिंग दिस वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में क्या था डी डी स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई था तो यहां से वाई की वैल्यू मिल जाएगी चलिए डी स्क्वायर की जगह तो ये वैल्यू लिख देते हैं जो कि है हमारे पास टू डी स्क्वायर की यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन वन है उसमें ये वैल्यू है लिख दीजिए टू सी वन अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी इंटू साइन ऑफ ओ अल्फा टी प्लस का सी टू और माइनस टू सी थ्री अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी और साइन ऑफ ओ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और इसके बाद में क्या था प्लस का एम स्क्वायर वाई था प्लस का एम स्क्वायर वाई और इस तरीके से हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती राइट हैंड साइड में जीरो था वाई निकालना है तो इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो एम स्क्वायर वाई ही लेफ्ट हैंड साइड बचेगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा इसको हम पहले लिख दे देते हैं टू सी थ्री अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी और साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा टू टाइम्स अल्फ़ा सी वन अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी और साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू तो ये वैल्यू हमने लिख दी है फिर यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा टू टू और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर को साथ में लिख दें आप पान में एम स्क्वायर कर दें इस वैल्यू को हम कंबाइन कर देंगे क्योंकि हमने जहाँ पर इसको माना था वहाँ से इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड की जा सकती है सी थ्री और इसको लिख दीजिए जो कि है हमारा ई e की पावर अल्फ़ा टी और इन में है साइन ऑफ अल्फा टी प्लस का सी फोर तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये वाली वैल्यू है जो कि माइनस का है इसमें भी हम डिवाइड कर रहे हैं इसको भी हम टू टाइम्स लिख देंगे टू टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर से पूरी इक्वेशन एम एस वाई निकालना एम स्क्वायर से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर सी वन इंटू ई टू दी पावर माइनस का अल्फ़ा टी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू तो जैसे कि हमने देखिए अल्फ़ा माना था यहाँ पर वो ये है और अभी वैल्यू जो आ रही है वो इसमें अगर रूट टू को आप उधर पहुँचा दें तो एम की वैल्यू हो जाएगी रूट टू अल्फ़ा हो जाएगी इसमें हम वन uh, का अगर नी मान लें और एम को उधर ले जाएं तो इधर सिर्फ वन बचेगा जो इट्स ऐसे लिख सकते हैं वन इजिकल टू रूट टू अल्फ़ा अपन एम और इसका अगर स्क्वायर कर दें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर uh, वन uh, का स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड में रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू अल्फ़ा के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और एम का स्क्वायर एम स्क्वायर तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर ये लिख देंगे तो ये बाद में हम लिख भी देंगे पहले हम इसको वन इसकी यहाँ पर वन रख देते हैं वाई इक्वल टू वन इंटू वन इंटू सी थ्री ई की पावर अल्फा टी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी फोर और माइनस का ये भी वन कुल आ गया सी वन ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस का सी टू जहाँ पर हम बता दें वेयर हमारा जो है टू अल्फ़ा स्क्वायर अपान जो एम स्क्वायर है वो वन के को लाया गया क्योंकि हमने माना था जो एम की जो वैल्यू थी क्योंकि हमने एम अपान रूट टू को ही अल्फ़ा माना था इसलिए अब ये वैल्यू जब आ गई है तो अल्फ़ा जो कि आपको मालूम है कांस्टेंट है और वो हमने ये वैल्यू जो थी चाहे तो रख दें या फिर इसको ऐसे ही रहें रहने दें यानी वन लिखना ज़रूरी नहीं अब आप, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इजिकल टू वाई इक्वल टू हो जाएगा सी थ्री सी थ्री ई की पावर ई e की पावर में अल्फ़ा टी है ई e की पावर अल्फ़ा टी और साइन ऑफ अल्फा टी प्लस का सी सी फोर और माइनस का सी सी वन सी वन और ई e की पावर माइनस अल्फा टी और साइन ऑफ अल्फा टी प्लस का सी 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 टू सी टू है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे इक्वेशन नंबर आप फाइव डाल दीजिए फोर डाल चुके थे वहाँ पर तो जो रिलेशन है हमारा द रिलेशन जो इक्वेशन नंबर वन से मिला फोर से मिला है रिलेशन फोर और जो अभी फाइव से मिला है एंड फाइव इसको हम साथ साथ देखेंगे सिमिलटेनियसली क्वेश्चन फोर अभी जो हमारी एक्स की वैल्यू मिली थी इन टर्म्स ऑफ टी और अभी जो मिली है ये बाई uh, की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी मिली है सिमल टेस्ली प्रोवाइड करेगा हमको प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ गिव इन गिव इन इक्वेशन तो आ गया और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपका हो सकता है बुक से आप मैच करें तो C1, C2, C3, C4 का रोल जो है वो चेंज हो सकता है इसके हो सकता है यहाँ C1 आपका लिखा हो और यहाँ पर C2 लिखा हो इस तरीके से चेंज हो सकता है क्योंकि जो वैल्यू हमको मिली थी एम की वो वैल्यू जरूरी नहीं है आप इसको पहले लिखें इस ये भी पहले आ सकता है और ये बाद में आ सकता है तो इस तरीके से आ, बस आ, ये फार्म ऐसी दिखाई देना चाहिए आपको इसी फार्म में आएगा जैसे कि अगर देखिए साइन है यहाँ पर आ, तो बीच में माइनस का साइन है तो ऐसे ही इसी फार्म में आपका आंसर रहेगा सी वन सी टू यहाँ कुछ लिखा हो सी वन के यहाँ सी थ्री हो सी टू तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैसे भी ये आर्बिटरी कॉन्सटेंट है हमारा सोलूशन ये आ चुका है थैंक यू वेरी मच इन फॉर फॉल मी वाखर दावाना अलहमद ला आलमीन